जी हाँ, बाढ़, बारिश और बर्बादी पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात की जाए, फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, आलम कुछ ऐसे ही है। मध्य प्रदेश में तो मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही है। भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, नदी नाले उफान पर है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और डैम, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पानी से लबालब पूरे हो चुके हैं। हालांकि 100% कोटा जो है मध्य प्रदेश का पूरा हो चुका है और डैम से जो है गेट खोले जा चुके हैं, जिसके बाद से और ज्यादा परेशानी लोगों को बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नदी नाले उफान पर है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है और NDTV भी आपसे यही अपील करता है कि सावधानी बरते, नदी नालों और तमाम उन जगहों से दूर रहने की अपील जैसे कि प्रशासन कर रहा है, और हम भी आपसे यही अपील करते हैं, पूरी तरीके से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि देखिए अब मॉनसून धीमा पड़ गया है, लेकिन जाते जाते मॉनसून देखिए किस तरीके से आफत बनकर बरस रही है। कई लोगों के आशियाने जो है वो टूट चुके हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, लोग अपनी जान हथेली में रखकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये रपटा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालात दोनों ही राज्यों के कमोबेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम कुछ ऐसे ही रहने वाला है 24 घंटे के लिए खासतौर पर, क्योंकि पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश और भोपाल में और छत्तीसगढ़ में हालात जो है कमोबेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे डैम जो है कमोबेश वो पूरे भर चुके हैं, गेट खोले जा रहे हैं, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तवा डैम की, जो कि नर्मदापुरम का सबसे बड़ा ये डैम माना जाता है। यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया है, गेट खोले जा चुके हैं और कुछ लोग इस दृश्य को देखने के लिए खासतौर पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, नर्मदापुरम से आ रही है, जहां पर देखिए कैसे ये तवा डैम जो है पूरी तरीके से लबालब भर गया है और 7 गेट खोले जा चुके हैं। तवा डैम के गेट जो है 9 फीट तक वो खोले जा चुके हैं। बांध से काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो बढ़ चुका है और लोगों से दूर रहने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे नर्मदापुरम, जो कि जिले का सबसे बड़ा ये तवा डैम है यहाँ पे, और ये डैम भर गया है और 9 गेट यहाँ पे, 6 गेट माफ कीजिएगा, 9 फीट जो है यहाँ का पानी वो खोला जा चुका है और लोगों से बार बार अपील यही की जा रही है। हालांकि जो कोटा है वो इस बार मध्य प्रदेश का पूरा हो चुका है। और चलिए आपको बेबेतुरा की तस्वीरें दिखाते हैं, वहां पे भी हालात कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर भी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे चलने में कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है और प्रशासन लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने देखिए पूर्वानुमान जारी किया, यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, लोगों को चलने में दिक्कतें आ रही है, काफ़ी परेशानी आ रही है, लोग कुछ लोग देखिए अपनी जान हथेली में डालकर ये रपटा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कई जगहों पर पुलिया जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमित्रा दुर्ग मार्ग के देवकर नगर पंचायत के पहले। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इन्हें समझाइश दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं वो इस प्रकार से पार कर रहे हैं, और एक नहीं ये दो दो तीन तीन जो लोग हैं वो इस प्रकार से पार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको जो है वो पीछे दिखाना चाहूंगा, ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देवकर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और इस केंद्र की हालत देखिए, केंद्र पूरी तरह से आधा डूब चुका है और पूरे केंद्र में। इसके अलावा जो ये महतारी बंधन, जो महतारी की जो ट्रेन वो होती है एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इसके अलावा ये पीछे मेरे देखिए, अब इधर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए लगातार जो भीड़ है वो कितनी भीड़ लोग पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। इसके अलावा फिर मैं ये पीछे और दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, ये पार कर रहे हैं जान जोखिम में। भैया क्यों,
जान का डर नहीं है क्या आपको? क्यों पार कर रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? खैरागढ़। तो जान का डर नहीं है भैया? इतना पानी नहाते रहते हैं, इतना पानी आप लोग क्रॉस करते हैं। चलिए फिर ये है, फिर एक माता जी फिर आ रही, देखिए इनको भी, ये है और बच्चे यहाँ पे वजह ले रहे हैं। दूसरी चीज, लोग कार को पार कर रहे हैं, कार कभी कभी बीच में बंद हो रही है, गाड़ियां बंद हो रही है, जिसके चलते तकलीफ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो क्यों आप लोग को डर नहीं लग रहा है आपको? क्यों पार कर रही, कहाँ जाना है आपको? वो पार जाना है। तो डर नहीं लग रहा है? जाना पड़ेगा। क्यों आपको डर नहीं लग रहा है? चलिए देखिए, लोग को पकड़ कर लोग यहाँ के आसपास के लोग जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन निश्चित ही कहीं ना कहीं ये डर का विषय, क्योंकि मैं जिस वक्त खड़ा हूँ उस जगह पर पानी की तेज धारा बह रही है। अब जिला प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आवाजाही रोका जाए जब तक पानी कम ना हो। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुधीर शर्मा। तो तस्वीरें हमने आपको दोनों ही प्रदेशों की दिखाई है, किस तरीके से भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं दोनों ही राज्यों के, कांकेर, धमतरी, रायपुर, कोंडागांव और साथ ही एमपी के विदिशा, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम की, जहां पे तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, कई जगहों पर डैम का जो गेट है वो खोला जा चुका है, कई जगहों पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये नदी पार कर रहे हैं, कई जगहों पर आशियाने लोगों के टूट चुके हैं। तो ये तस्वीरों देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश, मॉनसून जाते जाते कैसे कहर बरपा रहा है। बाढ़, बारिश और उसके बाद से जो बर्बादी हुई है उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये 8 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, धमतरी, कांकेर, रायपुर, कोंडागांव, मुरैना, कवर्धा, मंडला और बालोद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि देखिए प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मंडला में आप देख सकते हैं रेस्क्यू करते हुए नजर आ रही है। रायपुर में भी कुछ हालात ऐसे ही है। हालांकि इस बारिश के चलते मौसम सुहावना जरूर हुआ है, लेकिन बारिश के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बालोद की तस्वीर देखिए, यहाँ पे लोगों का का आशियाना जो है वो टूट चुका है। कोंडागांव में किस तरीके से लोग अपनी जान हथेली में डालकर ये रपटा क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बारिश का रेड अलर्ट हम आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी के साथ साथ अलीराजपुर। और देखिए छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर रेड अलर्ट है, गरियाबंद, धमतरी, बालोद और कांकेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आपको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, आप जब आप घरों से बाहर निकले तो पूरी तरीके से अलर्ट होकर निकले। और इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जगहों में भी यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट कहाँ कहाँ पर है ये हम आपको बता रहे हैं, मोहल्लापुर, मानपुर में, बीजापुर, नारायणपुर में, तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जब भी आप घरों से बाहर निकले तो पूरी तैयारी के साथ निकले, और हाँ जब कोई इमरजेंसी हो तभी घरों से बाहर निकले, अदरवाइज आपको इस समय जो है सावधानी बरतना ही समझदारी होगी। तो ऑरेंज अलर्ट कहां पे है? तो ऑरेंज अलर्ट कहां पे हम आपको बता रहे हैं, महासमुंद और राजनांदगांव, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट में इतना खतरा नहीं होता है, फिर भी देखिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। रेड अलर्ट कहां पे ये हमने आपको बताया है, अब आपको ऑरेंज अलर्ट कहां पे ये भी हम आपको बता रहे हैं, महासमुंद और राजनांदगांव, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारी बारिश के चलते कैसे नदी नाले उफान पर है। और इसीलिए हम स्पेशली ये बुलेटिन आपको इसीलिए लेकर आए ताकि आप लोग जो है अलर्ट रह सके। बस्तर, कोंडागांव, महासमुंद और राजनांदगांव, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पे बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अमृतांशी जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, भोपाल की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है कि कैसे 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप भी अम्ब्रेला लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंची, क्योंकि जिम्मेदारी जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि मौसम का क्या अपडेट है। जरा अपडेट और मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान है विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले तो प्रदेश के लोगों से यही अपील है कि जान को खतरे में ना डालें, और ख़ास तौर से जो डैम अभी खोले गए हैं, क्योंकि
कई जगहों पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में लगातार तेज बारिश हो रही है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर सुबह से ही जो है वो लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और इस बारिश को देखिए करीबन 24 घंटे होने वाले हैं, 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त निकल चुका है और यहाँ पर लगातार तेज बारिश हो रही है। आपको सड़कों पर आज ज्यादा भीड़ नहीं नजर आएगी क्योंकि लोग जो है या तो घर पर है या फिर अपने दफ्तरों में है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सुबह से ही लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल के भी जो 3 डैम हैं उनके गेट खोल दिए गए हैं और लगातार ये जो बारिश का दौर जारी है इस कारण जो है वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं भी निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ अलर्ट है आपको बताते चलते। बारिश का रेड अलर्ट सबसे पहले विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और अशोकनगर जिले में है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं कि झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है और ये बारिश साफ तौर पर बता रही है कि ये अभी रुकने वाली नहीं है। अनूपपुर, छतरपुर, निवाड़ी, सतना, शहडोल, टीकमगढ़, गुना, हरदा, झाबुआ, इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा रीवा, सीधी, सिंगरौली जो है मंडला, यहाँ पर जो है बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों के डैम के गेट खोल दिए गए हैं, बरगी डैम के गेट खोले गए हैं, नर्मदापुरम में तवा बांध के गेट खोल दिए गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बारिश है क्योंकि ये सिस्टम अभी देखिए थमने वाला नहीं है। कल से मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश का दौर शुरू हुआ था और इसके बाद ये दौर अभी जारी रहने वाला है क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 7 दिनों तक इसी तरह से बारिश जारी रहने वाली है। तो जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है लेकिन यहाँ पर लगातार प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से कहाँ पर क्या अलर्ट किया गया है लेकिन ये बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए। तो इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल देखिए सभी जगह पर सबसे पहले तो जब इस तरह की बारिश होती है तो NDRF और SDRF को अलर्ट पर रखा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने पिछले दिनों तस्वीरें देखी भी थी कि किस तरह से जो है कई जगहों पर लोग बह जाते हैं या फिर जो है वाटरफॉल्स के पास जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर कोई भी अगर वाटरफॉल है या फिर कहीं पर भी अगर डैम के गेट खोले गए हैं तो उनके करीब ना जाए, उन सभी जगहों को सील भी कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ सभी जगहों पर जो प्रशासन है वो भी पूरी तैयारी के साथ है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति बन रही है या तो किसी गांव में अगर जो है वो पानी भरा रहा है या फिर कहीं लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जल्द से जल्द जो है वो पूरी टीम्स भेजी जाएंगी और ये पूरी तैयारियां प्रशासनिक तौर पर की गई हैं। हालांकि क्योंकि बारिश लगातार जारी है तो इस बीच में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो जाती हैं लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने साफ तौर पर जो है वो ये बात कह दी है कि सभी जगह पर तैयार है। कई जगहों पर देखिए आज जैसे कि बैतूल में जो है वो स्कूल बंद रखे गए हैं क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे जो है वो घर पर ही रहें इसको लेकर भी प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए थे। तो अगर इसी तरह से बारिश चलती रही तो हो सकता है कि कल भी कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए लेकिन बिना वजह घर से निकलने को लेकर यहाँ जो है प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग ना निकलें। जी